आज की स्टूडियो में एक और नई लोन एप्लीकेशन में लोन अप्लाई और साथ में इसका रिव्यू भी हम देखेंगे। इस वीडियो में हम जो है कि इसमें देखेंगे क्या लोन एप्लीकेशन रियल है या फेक है, अगर लोन आपको प्रोवाइड करती है तो कैसे आपको लोन इसमें अप्लाई करना है, क्या यहाँ पर प्रोसेस रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है और इंटरेस्ट रेट हमारा क्या लगेगा, सब कुछ हम जो कि इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं ए टू जेड डिटेल्स के साथ में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखोगे गेट इट नो इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन एप्लीकेशन का नाम है, जो कि 4.3 रेटिंग के साथ में आपको यहाँ पर 100,000 इसके डाउनलोड देखने को मिल जाते हैं, जो कि रेटिंग अच्छी खासी है। ये नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद में आपको जो है कि यहाँ पर इनका रिव्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रिव्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिव्यू आपको जो कि देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको जो कि रिव्यू हमेशा पढ़ के किसी भी लोन एप्लीकेशन में अप्लाई करना है। बाकी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि आपको इस लोन एप्लीकेशन में अप्लाई करना है या नहीं करना है, क्योंकि आपको बिना वीडियो देखे किसी भी लोन एप्लीकेशन में आपका डॉक्यूमेंट शेयर मत करना। लोन एप्लीकेशन का इंटरफेस इस प्रकार से आता है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तब भी यहाँ से लोन ले सकते हैं, सैलरी एम्प्लॉयड है तब भी आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं तब भी आप जो कि यहाँ से लोन ले पाओगे, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखोगे लोन की प्रोसेस इस प्रकार से स्टार्ट होती है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो है कि लोन क्रेडिट लिमिट इस प्रकार से रहती है। तो यहाँ पर हम जो है कि सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको इंस्टॉल करने से पहले हम जो है कि यहाँ पर इसके अबाउट दिस ऐप में जाते हैं और इसके बारे में अच्छे से देखते हैं। गेट इट नो इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन आ गई है। यहाँ पर आप जो देखोगे आपको स्टूडेंट और सैलरी एम्प्लॉयड वगैरह को सबको यहाँ पर जो है कि 50,000 रुपये तक का लोन ये प्रोवाइड करती है। RBI से रजिस्टर्ड NBFC है, जो कि यहाँ पर इनके NBFC का नाम आगे हम देखेंगे। आपको यहाँ पर 500 रुपये से 50,000 रुपये तक का लोन देखने को मिल जाता है। उसके बाद में 0% से 4% पर NM का इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ये हो गया। उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर 61 दिन से 120 दिन का यहाँ पर टेन्योर देखने को मिल जाता है। और इंस्टेंट लोन ऐप फॉर स्टूडेंट, इंस्टेंट लोन ऑफ सैलरीड लोन ऐप अप टू आपको जो है कि 50,000 तक का लोन दिया जाता है, ये हो गया। ये यहाँ पर लोन हमने देख लिया कितना क्या, और की फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो की फीचर आप देख लोगे तो पूरे लोन का बारे में आपको पता चल जाएगा। 50,000 रुपये का लोन है, कैश ट्रांसफ़र आपको इंस्टेंट 2 मिनट में बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। रीपेमेंट आप जो यहाँ पर 4 मंथ का फ्लेक्सिबल रीपेमेंट आप करवा सकते हैं। रिवॉर्डेड फॉर टाइमली रीपेमेंट, अगर आप जो कि टाइमली पेमेंट कर देंगे इनका तो रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। प्रोसेसिंग फीस एंड लोन मैनेजमेंट फीस आपको यहाँ पर आप कर सकते हैं, जिसमें आपको 50 रुपये से 200 रुपये आपका जो कि यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग फीस वगैरह लग सकता है, प्लस GST। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे 1% से 4% आपका मैक्सिमम यहाँ पर मंथ का इंटरेस्ट लगने वाला है। और ये हमने देख लिया लोन अमाउंट, आप यहाँ पर अगर लेंगे तो एग्जांपल के हिसाब से बता रखा है। और जो इनके NBFC है, NBFC का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, RBI रजिस्टर्ड NBFC अमरावती फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि यहाँ पर CIN नंबर भी उन्होंने डिस्क्लोज कर रखा है, आप जिसको चेक आउट कर सकते हैं। ये हो गया, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया उन्होंने, ये सब कुछ हमने समझ लिया। कॉलेज ID वगैरह, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको कॉलेज ID की ज़रूरत पड़ेगी। एक बैंक अकाउंट आपके पास में होना चाहिए, आधार पैन कार्ड आपके पास में होना चाहिए। ये हो गया, ये सब कुछ हो गया। इसके बाद में 23 मई को एप्लीकेशन आई थी, 11 सितंबर को अभी अपडेट हुई थी। चलो जी, एप्लीकेशन को हमने जो कि समझ लिया अच्छे से, लोन एप्लीकेशन अभी तक तो बहुत सही है। सिंपली हम जो कि यहाँ पर ओपन पर क्लिक करते हैं। अब जैसे अब यहाँ पर ओपन पर क्लिक करोगे इस प्रकार इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर नोटिफिकेशन अलाउ करना चाह कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे वेलकम टू गेट इट नो, सिंपली हम आगे बढ़ते हैं। मनी आपका इंस्टेंट बैंक में भेज देते हैं। गेट स्टार्ट है, परमिशन आपसे मांगते हैं। परमिशन आपको हमेशा किसी भी लोन एप्लीकेशन की पढ़ के अलाउ करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कैमरा, लोकेशन, डॉक्यूमेंट और माइक्रोफोन की परमिशन आपको देनी होगी। हम चेकबॉक्स पर क्लिक करके नीचे आपको एलो पर क्लिक करना है। यहाँ पर परमिशन जो भी आती है, अब परमिशन को आपको अच्छे से पढ़ के एलो कर लेना है। अब यहाँ पर आपको जो है कि आपका मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में आपको जो है कि साइन इन पर क्लिक करना है। एक OTP आपके पास में आता है, वो OTP यहाँ पर आपको फिल करना होगा। चलो जो कि प्रोसेस करके दिखाता हूँ। OTP लेने के लिए आपको जो है कि यहाँ पर कुछ सम का आपको आंसर देना होगा। तो सम का मैं आपको जो कि यहाँ पर दिखा देता हूँ। 2 + 10 + क्या होता है 12, हम जो कि यहाँ पर वेरीफाई करते हैं या बोर्ड के लिए करते हैं ऐसा। तो यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर पर एक OTP आपके पास में आता है। तो यहाँ पर OTP हमारे पास में आ चुका है, OTP हम फिल कर देते हैं। 570635 हम लिख देते हैं, 570635। उसके बाद वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। ये वेरीफाई पर आप जैसे क्लिक करोगे आगे की आपकी जो कि प्रोसेस आ जाएगी। यहाँ पर हम जो कि सही वाला कोड में देख के डाल देता हूँ,
देख सकते हो ओटीपी हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया। यहाँ पर आपकी लोन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले आपको जो है कि यहाँ पर आपका नेम लिखना है, फुल नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालना है। देन आपको कंफर्म पासवर्ड डालना है। आपको नीचे साइनअप का ऑप्शन दिखा दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं जो है कि ये प्रोसेस जो भी है ये सारी की सारी कंप्लीट कर लेता हूँ। देन आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप जो देखोगे आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है उस पर अगर आप जो है कि नोटिफिकेशन या फिर आपको कोई भी मैसेज वगैरह चाहिए तो आप जो है कि व्हाट्सअप पर यस आई होप क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आई डोंट होप पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी आप क्लिक करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं ना। यू वॉन्ट टू एबल टू यूज़ गेट इट नो विदाउट एडिंग योर व्हाट्सअप अकाउंट, तो हम जो कि यहाँ पर व्हाट्सअप अकाउंट ऐड करना है हमें किसी भी नंबर का, तो सिंपली हम यस आई होप पर क्लिक कर देते हैं। देन आपको जो है कि यहाँ पर इफ़ योर व्हाट्सअप नंबर इज सेम एज योर रजिस्टर्ड नंबर तो आपको इस पर क्लिक करके रखना है। अगर आपको जो है कि यहाँ पर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। तो हम जो है कि यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर यही रखते हैं। देन आपको साइन इन पर क्लिक करते हैं। देन आपको जो है कि यहाँ पर प्रोसेस आ जाती है आगे की, कॉलेज स्टूडेंट है या फिर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, जो भी है आप यहाँ से आप चूज़ कर लेना। तो अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड की प्रोफाइल आपको करना है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो कॉलेज की प्रोफाइल आपको करना है। प्रोसेस सेम रहेगी, बस आपको डॉक्यूमेंट में वहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चलो जो है कि हम यहाँ पर सैलरीड प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। देन हम कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। जैसे आप आगे बढ़ोगे यहाँ पर आपको जो है कि रेफरल कोड दिया जाएगा, तो रेफरल कोड मैं आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वो वाला आप जो यूज़ कर लेना। देन आपको जो है कि यहाँ पर नीचे प्रोसेस पर क्लिक करना है। आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ पर क्रिएट योर प्रोफाइल, 15 मिनट में आपकी प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टेप कंप्लीट टू प्रोफाइल, हमें जो है कि यहाँ पर कुछ 12 प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, 12 स्टेप में। अपलोड करना है आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड करना है, ऑफिस अपलोड ऑफिस आईडी कार्ड, उसके बाद में यहाँ पर अपलोड पे स्लिप और अपलोड वोटर कार्ड ऑप्शनल है, अपलोड ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्शनल है, अपलोड पासपोर्ट ऑप्शनल है, उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है कि वेरीफाई पर्सनल ईमेल आईडी ऑप्शनल में आपको दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप इनको अपलोड ही करें, आप छोड़ भी सकते हैं इनको। ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, ईमेल आईडी ऑफिशियल ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, अपलोड सेल्फी वीडियो आपको अपलोड करना है और अपलोड बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है। देन आपको प्रोवाइड पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना है। ये सारे प्रोसेस के लिए आप एग्री हैं तो 15 मिनट के जहाँ आपको टाइम लगेगा। देन आपको क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करना है, ये सब कुछ आपको देना है। देन आपको आगे बढ़ना है क्रिएट प्रोफाइल। तो यहाँ पर आपको जो है कि पहली स्टेप स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 स्टेप आपको फिल करनी है। देन यहाँ पर आपको जो है कि ये 12 स्टेप इस प्रकार से स्टेप आपको करना है, जैसे आप यहाँ पर पेन आपका आधार कार्ड का फ्रंट और आधार कार्ड का बैक यहाँ पर अपलोड करके आगे बढ़ना है। देन यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ और भी, ये पेन कार्ड का वैसे आपको डालना है, आपके ऑफिस के ईमेल आईडी का भी, सॉरी आपका आईडी कार्ड जो है ऑफिस का वो भी इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर ये सारा का सारा आप अपलोड कर दोगे देन आपको जो है कि यहाँ पर एक ऑफ़र मिलेगा, वो ऑफ़र आपको जो है कि यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, उसको आपको जो है कि यहाँ पर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना है। यहाँ पर आपको जो है कि थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लग सकता है, तो इंटरेस्ट रेट अगर आप एग्री हैं उसके लिए तो आप यहाँ पर उसको आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छी एप्लीकेशन दे रखी है, वहाँ से आप अप्लाई कीजिए, वहाँ पे भी आपको इंस्टेंट एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको जो है गेट इट नो से आपको जो है कि पर्सनल लोन लेना है, ये सारी की सारी प्रोसेस यहाँ पर लिखी गई है, इसी प्रकार से आपको प्रोसेस करना है। बाकी यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है, उसी प्रकार से आशा करता हूँ आप समझ भी चुके होंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है कि गेट इट नो एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लेना है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करके जाना। मिलेंगे किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।